दोस्तों अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में न्यू यूजर कैसे क्रिएट करें, यानी कि न्यू कंप्यूटर यूजर कैसे क्रिएट करें और साथ ही उसमें पासवर्ड कैसे चेंज करें, साथ ही उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स कैसे प्रोवाइड करें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस ट्रिक्स के बारे में तो इस वीडियो क्लास तक जरूर देखें। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर ट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करें और किस तरीके से उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और साथ ही हम किसी भी यूजर अकाउंट को एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर लैपटॉप के कीबोर्ड की विंडोज और आर की बटन को प्रेस करना है। जैसे हम विंडो और आर की बटन को प्रेस करेंगे हमारे सामने रन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें टाइप करना रहेगा lusrmgr.msc। ये आप ध्यान से देखिए, ये कमांड है lusrmgr.msc। ये टाइप करके हमें इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे हमारे सामने लोकल यूजर एंड ग्रुप का एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा अगर वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तो उस पर ये कमांड वर्क नहीं करेगी और उस पर आप ये ट्रिक यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है यूजर्स पे। यूजर्स पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट के जो भी यूजर अकाउंट होंगे पहले से वो यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपना न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करें। तो आपको यहां पर राइट क्लिक कर देना है, न्यू यूजर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर ओपन हो जाएगा। यहां पर यूज़र नेम दे देना है, जिस भी नाम से आप यूजर अकाउंट बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दे दिया डेमो नाम से मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे यूजर अकाउंट दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड भी क्रिएट करना है तो आप साथ में पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया, कुछ भी हम यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें टिक है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। अगर आप चाहते हैं कि ये यूजर अकाउंट जब भी नया लॉगिन करे तो ये चेंज कर सकता है पासवर्ड, अगर आप चाहते हैं कि ना करे तो यहाँ पर टिक हटा दीजिए और यहाँ पे पासवर्ड नेवर एक्सपायर पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि पासवर्ड ये कभी भी एक्सपायर ना हो। और अगर आप पॉलिसी लगाना चाहते हैं कि ये पार्टिकुलर यूजर अकाउंट जो भी ये यूजर अकाउंट यूज करेगा वो पासवर्ड चेंज ना कर सके तो इस पर भी आप टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम जैसे क्लोज करेंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डेमो यूजर अकाउंट क्रिएट हो गया है। आप चाहें तो बाद में भी इसका पासवर्ड चेंज करें। अगर आपको बाद में पासवर्ड चेंज करना है तो फिर से आप राइट क्लिक करें और सेट पासवर्ड पे जाके पासवर्ड यहाँ पे आप फिर प्रोसीड पे क्लिक करके पासवर्ड फिर से चेंज कर सकते हैं। ये हर बार आप कर सकते हैं पासवर्ड चेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अभी हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। अब दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी, एक तो यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करें, दूसरा इसका पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। अब तीसरी चीज़ है कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कैसे बनाएं। ये अभी नॉर्मली यूजर अकाउंट है। अब आपको जिस भी यूजर अकाउंट को एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाना है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। अब जैसे हम प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर मेम्बर ऑफ पे आप क्लिक करोगे तो अभी आप देख सकते हैं हम यूजर अकाउंट है, मतलब ये एक नॉर्मल यूजर अकाउंट है। अब इसको अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाना है तो हमको सिंपली ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे फाइंड नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से ओके करना है और यहाँ पर आप चाहें तो अप्लाई और ओके कर देंगे। इसके बाद फिर से आप चेक करिए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, मेंबर ऑफ पे जाएंगे तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स भी इसको मिल चुका है। आप चाहें तो फिर इसको यूज़र पे क्लिक करके यूज़र का जो राइट्स है वो हटा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रहने दीजिए दोनों का, इसमें यूज़र का भी राइट्स है और एडमिनिस्ट्रेटर का भी राइट्स है। तो इस तरीके से आप किसी भी नॉर्मल यूजर अकाउंट को एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना सकते हैं। अब साथ में मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इस यूजर अकाउंट को या किसी भी यूजर अकाउंट को डिलीट करना है तो आप सिंपली राइट क्लिक करिए, डिलीट पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर से अगेन ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि जो हमने यूजर अकाउंट बनाया था वो डिलीट हो चुका है। दोस्तों आई होप आपको ये पूरी ट्रिक समझ में आई होगी।
सो गाइस, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।